कुमार रिकॉर्ड कर रहे हैं एचएमबीसी सीखने के लिए, एचएमबीसी समझने के लिए। हमारे सामने एक बेस्ट स्ट्रक्चर है, दिस द वेरी बेस्ट एग्जांपल अगेन बिफोर अस टू शो द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन। ओके, and not different sets of proton between the proton and the carbon, which is two carbon and two bond three bond distance away from each other. इसका यूज क्या होता है, एचएमबीसी का यूज आप याद रख लीजिए। अभी स्पेक्ट्रम आपके सामने है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया, सपोज यहाँ पे स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सपोज स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, और ये इस तरह समझिए स्ट्रक्चर नहीं दिया है आपको, देख लीजिए। ओके, अगर हम इसको ऐसे इरेज कर देते हैं और स्ट्रक्चर नहीं दिया अगर आपको, फॉर एग्जांपल, लेकिन स्ट्रक्चर देंगे आपको, मैंने कैसे देख लीजिए स्ट्रक्चर सीख, ठीक अभी भी। अब क्या, अब इसके बेसिस पे आप कर सकते हो, यस वी कैन डू। तो आपको ये मालूम हो गया कि बी सेट यानी तीन सेट्स के प्रोटॉन्स, थ्री टाइप्स के प्रोटॉन्स है, राइट। अब आप कोई भी लो रैंडमली, नो प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट से लो राइट से लो, नो प्रॉब्लम, एनी वन यू कैन टेक, एनी सिग्नल यू कैन टेक एंड यू कैन प्रोसीड। ये बी सेट ऑफ प्रोटॉन है, अगर इससे आप स्ट्रेट जाते हो तो ये इसका मतलब ये कि ये पीक जो है ये बी सेट ऑफ प्रोटॉन के लिए है। ये बी सेट जो प्रोटॉन है वो सी के कॉन्टेक्ट में है, बस। अब बी और सी तो अलग अलग है, इसका मतलब है बी सी से या तो टू बॉन्ड डिस्टेंस पे है या थ्री बॉन्ड डिस्टेंस पे है, ठीक है। बी इज रिलेटेड विद द सी आइदर टू बॉन्ड डिस्टेंस और थ्री बॉन्ड डिस्टेंस, ये हमको मालूम हो गया इतना। ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। फिर आप सी लीजिए आप, ये सी प्रोटॉन जो है ये देखिए, क्या ये बी से कोरिलेटेड है, यस। सी प्रोटॉन बी को कोरिलेटेड है, उसी तरह क्या ये डी को कोरिलेटेड है, यस, डी को भी कोरिलेटेड, देखिए समझ में आया, यस। अब आप सी से आ रहे हो नीचे, सी से नीचे आ रहे हो आप, तो आपको एच एम बी सी का मेन यूज क्या है, बोलो, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एच एम बी सी, बोलिए। Correlation between proton and carbon that are two or three bond. Very good, right? बराबर, ये हमारा aim है। Now you see, ये जो proton है, ये B से भी connected है और D से भी correlated है, ठीक है? Yes. Similarly, D से जो D है, ये D से रहेगा, यानी कि ये D, ये तो one bond है, हम इसको नहीं बताते actually, ये one bond है, okay? ये अगर ऐसे आप diagonal line खींचोगे तो ये हमको इसकी ज़रूरत नहीं actually है। तो हमको क्या मालूम हुआ कि B इज कोरिलेटेड विद C, B इज कोरिलेटेड विद D, राइट, यस, सॉरी नॉट D, यहाँ पर नहीं है, नहीं, नॉट B इज ओनली D, और ये D जो है इट इज विद C एंड D डायरेक्टली वी नो इट इज, ये तो इधर आएगा ऐसा, नो प्रॉब्लम, ऐसा डायगोनल एक हम लाइन लेते हैं, यस, तो उधर चला जाएगा। तो आप ये साइड लेकर बोल सकते हैं, फाइन, इस साइड को या इस साइड को लेकर। तो हमको ये मालूम हुआ फ्रॉम दिस, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी का देता है, आपको स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इससे, वो तो आपको एक्स्ट्रा डाटा आएगा कंबाइंड प्रॉब्लम में, आपको डेप्थ आएगा, प्रोटॉन एनएमआर आएगा, कार्बन 30, वो सब आएगा। ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो आप कनेक्ट एक बार करेक्ट कर लीजिए, ये आपको एक स्टेपनी डाटा आता है बताने के लिए, स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन के लिए, देखिए। तो अभी हमने देखा है कि सी जो है, सी किससे कनेक्टेड, देखिए ये सी जो है ये बी से भी रिलेशन बता रहा है, सी जो है डी से रिलेशन बता रहा है, कैसा है, यस, देखिए ये जो सी प्रोटॉन है यहाँ का, ये देखिए ये सब जो प्रोटॉन है, तो ये कितने बॉन्ड से, देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, तो थर्ड बॉन्ड पे कार्बन मिल रहा है ये प्रोटॉन, उसी तरह एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड पे फिर कार्बन मिल रहा है। इसे प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए नहीं, हेट्रोन्यूक्लियर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोन्यूक्लियर, ओके, हम जो बात कर रहे हैं वो हेट्रोन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कभी भी हम उसमें कोरिलेशन नहीं बताएंगे, वी विल शो ओनली कार्बन 13 एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस कोरिलेशन, ठीक है, यस, देखिए। और इसको और हम इसे समझ सकते हैं फर्दर, वी कैन गो फॉर, सी
यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है, वन मिनट थोड़ा हैंग हो जा रहा है। ना सी, तो हमको क्या मिला है यहाँ पे कि ये जो सी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये जो सी प्रोटॉन है, ये जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो अपने कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोरिलेट, यस। तो कितने बॉन्ड से, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड भी मिल गया, एक कार्बन, दूसरा वो कौन सा कार्बन है, बी कार्बन है। तो देखिए ये दिख गया बी कार्बन, ठीक। सिमिलरली देखिए, वही वही जो है ये प्रोटॉन, ये वाला, ये दूसरे कार्बन से थ्री बॉन्ड डिस्टेंस पे है, वो कार्बन कौन सा है, डी कार्बन है, तो डी वाला है। तो ये देखिए, ये इस तरह आगे ला सकते हैं उसको, यू कैन गो लाइक दिस। तो ये आप देखोगे कि सी जो सिग्नल है, ये प्रोटॉन का सिग्नल, ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, टू बॉन्ड कपलिंग एंड कोरिलेशन एंड थ्री बॉन्ड कोरिलेशन। सिमिलरली बी जो है, बी, ये बी, ये बी सेट का प्रोटॉन जो है वो किससे कोरिलेट है, एक बॉन्ड इधर तो नहीं है कोई कार्बन, इधर कार्बन है ये दो बॉन्ड, दो बॉन्ड से। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये अगर आप स्ट्रेट लाइन लेते हो और इस तरह लेते हो, तो यू कैन से दैट फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट कि टू बॉन्ड कपलिंग से, टू बॉन्ड कोरिलेशन से आप देखोगे कि बी इज इन कोरिलेशन विद सी। ये हो गया। What about the HMBC in which this molecule we have discussed? देखिए अभी आप प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा, नो इशू, ठीक है। और बाद में डी, डी का जो है सिग्नल, डी के बात करते हैं। डी किससे कोरिलेशन में, बोलिए आप लॉजिकली बोल सकते हैं, ये जो डी का प्रोटॉन है, ये जो डी का प्रोटॉन है, क्या ये टू बॉन्ड से रिलेशन बता सकता है, यस और नो, फास्ट, यस, क्या डी का प्रोटॉन टू बॉन्ड से रिलेशन बता सकता है, यस यस यस, बताएगा, यस और नो, यस सर, नहीं बताएगा, यस सर, टू बॉन्ड से कहाँ रिलेशन बताएगा वो, कार्बन से, ये एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड पर नाइट्रोजन है, डी कैन नॉट, थ्री वाला बताएगा सर, हाँ वो थ्री वाला भले ही बताएगा, राइट राइट, थ्री वाला बताएंगे, राइट, यस, यस, थ्री वाला बताएंगे, फाइन। तो अब थ्री वाला देखिए, थ्री वाला, यस, ये देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड पे ये सेम कार्बन तो आएगा, डी वाला कार्बन आएगा, और कौन सा आएगा, ये देखिए, ये इधर हो, ये वाला कौन सा, कौन सा कार्बन है ये, दिस इज व्हाट, ये तो डी वाला इधर आएगा, देखिए एक दो, ये डी वाला इधर आया, ये तीन बॉन्ड कपलिंग, सो डी विल शो विद कपलिंग विद डी, कोरिलेशन विद डी, ये बताया, ये देखिए ये डी, और किससे कोरिलेशन बता रहा है वो, ये डी वाला प्रोटॉन सी से। तो ये देखिए, ये इस तरह आप इसको ड्रैग, ये बहुत सिंपल आइडिया है, जस्ट आपको क्या कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ ये कनेक्ट करना है कि डॉट्स जो अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, जो पीक्स आ रहे हैं, उसको पीक को कनेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से, यस। क्या डी 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 से कनेक्टेड है, एक दो तीन बॉन्ड से, यस, डी सी डी, इसका मतलब ये हुआ कि डी डी से कनेक्टेड हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें दो सी सेम, दो दो टाइप ऑफ सी डी है। एच एम बी सी से क्या मालूम होता है, इसमें दो टाइप ऑफ डी है, देखिए, क्योंकि वो डी से डी कनेक्ट हो रहा है ना, ये देखिए ये कनेक्ट हो रहा है सेम, यस, दो टाइप ऑफ डी मालूम होते हैं, यानी आपको नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स है वो सेम टाइप्स, वो ही मालूम होता है आपको। सिमिलरली थ्री बॉन्ड से ये मालूम हो रहा है कि डी जो है टू बॉन्ड से कपल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डी इज अटैच टू डी सेट, टी सेट ऑफ प्रोटॉन इज अटैच टू हेट्रो एटम, सिंपल।
अगर टू बॉन्ड से कोरिलेशन होता तो हमको क्या मालूम होता, बोलिए, आपको पीक सिग्नल्स मिलता, लेकिन टू बॉन्ड से वो कनेक्ट कोरिलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दैट इज अटैच्ड टू हेटेरो एटम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द HMBC फॉर दिस आवर मॉलिक्यूल, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सी नाउ, यहाँ पे देखिए, आपको बताया है फिर वो एक्सप्लेन करके कि बी इज कोरिलेटेड ओनली विद सी। देखिए ये 2.75 पे कार्बन से रेड हो रहा है टू बॉन्ड्स, वो कितने पर है कार्बन, वो 62 पॉइंट समथिंग पे आ रहा है। देखिए 62.3, थ्री बॉन्ड्स का चांस नहीं है, ठीक है, फाइन। उसी तरह देखिए इसमें जो सी टाइप का प्रोटॉन है, अभी हमने आपको बताया है ना, ये सी बी से भी कनेक्टेड है, कोरिलेटेड है, और डी से भी कोरिलेटेड है, देखा हमने अभी, यस और नो बोलिए, हमने देखा है ना अभी सी प्रोटॉन विद सी, हाँ यस, हमने देखा है सी बी से रिलेटेड है और सी डी सी भी कोरिलेटेड, थ्री बॉन्ड से, बी से टू बॉन्ड से, इससे थ्री बॉन्ड से, और ये रिलेशन किसके बीच में है, ओनली बिटवीन कार्बन एंड प्रोटॉन, नॉट बिटवीन कार्बन कार्बन एंड नॉट बिटवीन हेटेरो एंड हेटेरो, एच फॉर हेटेरो, हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स कार्बन, ये देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड से एक कार्बन आ गया, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड से ये आ गया, यहाँ नहीं जाएगा, याद रखिए ये इधर इधर पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड पे ये दूसरा हेड कार्बन आ गया, तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड पे तीस ये और एक कार्बन आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, ठीक है। देखिए अभी ये एक और यहाँ पॉइंट है कि अगर आप इसको इधर कनेक्ट करोगे तो और डी सी मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो हम नहीं बताते एक्चुअली सी, तो इससे हमको मालूम हुआ कि सी इज कनेक्टेड दिस प्रोटॉन सेट ऑफ प्रोटॉन कनेक्टेड टू बी सेट, बी कार्बन एंड डी कार्बन, राइट, ओके, राइट। देखिए सिमिलरली ये जो डी सेट का प्रोटॉन बता रहे हैं अभी वो किस तरह कनेक्टेड है, ये जो डी सेट का प्रोटॉन है वो एक दो तीन बॉन्ड से डी से कनेक्टेड है, एक दो तीन बॉन्ड से सी सी से कनेक्टेड है। देखिए ये बता रहे डी से डी कनेक्शन दिख रहा है आपको, यस, डी सी डी कनेक्शन दिख रहा है, यस, एंड वन टू थ्री बॉन्ड से हुआ, यस, दिखा आपको, अब डिस्कस किया हमने, राइट, यस, और कौन सा कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन कौन सा है, थ्री बॉन्ड कनेक्शन है, ये देखिए डी सी डी एंड डी सी सी दिख रहा है, वन टू थ्री, यस यस और नो, डी टू डी एंड डी टू सी। सो इस तरह ये HMBC का हमने, यू कैन सी दिस, अब हमने डिस्कस किया, समझा कि आप लोगों को हमने जो अभी डिस्कस किया HMBC एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेकर के, वही हम आपको यहाँ स्लाइड्स बताए जो हमने इसलिए डिस्कस किया है, हमने वही स्लाइड्स बताया है। सो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस वेल, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टॉप नाउ, इसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे फॉर दिस 2D पर, द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दिस, ओके, फाइन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो